ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या देखा था मार्केट में कि यहाँ पे अपने को एक बाइंग मिली है। हम लोग अगर ऊपर जाता है तो रिवर्सल की तरफ भी प्लान बना सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को रखेंगे, एग्रेसिवली शॉर्ट को नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम लोग वन डे की कैंडल देखते हैं ताकि अपने को थोड़ा आइडिया लग जाए। ठीक, दिस इज कॉल्ड योर बेयरिश एनगल्फिंग। ठीक है, बेयरिश एनगल्फिंग आपका पहला साइन होता है, साइन होता है कि ट्रेंड में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, बेयरिश एनगल्फिंग पहले भी आपको मिली होंगी तकरीबन थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक, लेकिन एक साइन होता है। लेकिन अभी करना क्या है वो देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आगे। यहां पे समवेयर अराउंड, अच्छा अभी मैं आपको डेटा शीट दिखाता हूं पहले, फिर उसके बाद बताता हूं। यहां पे देखो, हमेशा मैंने आपको एक चीज बताया है कि आप प्राइस एक्शन और डेटा दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको फॉल्स सिग्नल कम मिलेंगे। कल मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिला लेकिन मैंने आपका लॉस नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहां पे मैंने लिखा था बाय ऑन डिप्स जाना है, बाय ऑन डिप्स जाना है, लेकिन डेटा आपका टोटली नेगेटिव है। तो इतने बुल ट्रेड में आपको सेल करने में भी टेंशन होती है कि सेल करोगे तो छोटी क्वांटिटी में करो, कम क्वांटिटी से छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, और आपको डेटा बाय नहीं करने दे रहा है। शॉर्ट सेलर्स को मैंने बीच में कहा था एक बार बुक कर ले प्रॉफिट, बाद में डेटा आपका जो था वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था तो हम लोग कॉल्स में नहीं जा रहे थे। ये इंट्राडे डेटा की बात है। ठीक, तो ये आप जब कंबाइन कर दोगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अब वापस चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट खुलते ही, खुलने के साथ ही मार्केट नीचे आ गया। अब नीचे जब आया ना उसके बाद ये वापस से ऊपर आ गया, करेक्ट। तो थोड़ा सा अपने को सिग्नल जो था वो थोड़ा सा गलत हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आया फिर ऊपर आ गया, डब्ल्यू के साथ ऊपर आ गया, लेकिन लास्ट में डब्ल्यू सस्टेन नहीं किया, लास्ट में एक शार्प फॉल देखने को अपने को मिल गया। ये अपना था, अभी तक हुआ क्या। अब कल क्या होगा, तीन केसेस होंगे, या तो गैप अप मार्केट खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या साइडवेज खुलेगा। ठीक, अब दोनों में ना कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है। एक्सपायरी है कल मंथली, शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे अपन लोग, अप की साइड आएगी तो अप की साइड में मैं ज्यादा फेवरेबल हूँ शॉर्ट कवरिंग में रादर देन डाउन की साइड। ठीक, नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल क्यूज जो है वो आपके अभी पॉजिटिव चल रहे हैं और साथ में आपका जो डेटा है अभी आप हम लोग ऑप्शन चेन में देखेंगे वो नेगेटिव जा रहा है, तो उस केस में हम लोग कैसे डील करें? अपने को गैप अप मिलेगा एक। ठीक, गैप अप मिला तो क्या करेंगे, वेट करेंगे 1-5 मिनट की कैंडल का। ठीक, इसका हाई टूटेगा बाय करेंगे, बाय करने का इसके छोटा ऐसा लगा के चलेंगे जो अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी होती है। अब सेल कहाँ करना है, देखो सेल करने का नंबर वन कंडीशन क्या है, हायर लेवल पे। मैंने आपको बाय ऑन डिप्स कह रहा हूँ, ब्रेकआउट पे नहीं कह रहा हूँ। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवर मिल जाता है अगर आप बाय ऑन डिप्स कर। लेट्स से आपने अगर यहाँ पे भी डब्ल्यू पे भी बाय किया होता तो आपको कुछ 100-200 पॉइंट मिल गए होते। ठीक, गैप अप खुला मार्केट, तो ये वाले जो लास्ट में एक शॉर्ट सेलिंग आई है इसको शॉर्ट सेलिंग कहेंगे या अभी डेटा पे चलेंगे या फिर ये आपका प्रॉफिट बुकिंग है। नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी होती है जो बाइंग करके बैठे होते हैं नीचे से और दिन के दौरान उनका प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक, डेटा में देखेंगे अभी प्रॉफिट बुकिंग की शॉर्ट सेलिंग है, लेकिन अभी क्या है अपने को फ्रेश बाइंग करना है तो इस लेवल के ऊपर करना है जो कि आ रहा है 41,200। ठीक है, 41,200 के ऊपर क्यों करेंगे, ताकि ये वाला लेवल आपका रीगेन हो जाए बाइंग का पहली जगह। दूसरा बाइंग की जगह कहाँ पे होगी अच्छी, जो समवेयर अराउंड यहाँ पे। हमेशा मैंने आपको एक चीज़ बताया है, मार्केट जब भी नीचे आता है उसके जब ऊपर जाता है तो ये इससे यहाँ से इसने एक स्विंग को टर्न लिया है। ठीक है, तो एक आप साइकोलॉजिकल पॉइंट समझो, मार्केट शॉर्ट सेलर्स नीचे लेके आए, नीचे आया, उसके जब मार्केट ऊपर आएगा तो शॉर्ट सेलर जो बैठे हुए हैं उनको एक पॉइंट मिल जाएगा अपना एग्जिट करने का, तो ये प्रीवियस स्विंग को जनरली डिफेंड कर जाते हैं। बायर्स क्या करते हैं, बायर्स को भी बाय करना है तो कहाँ पे बाय करेंगे, तो उनको भी एक अच्छी जगह मिल जाती है। इसीलिए यहाँ जब भी आप देखोगे यहाँ पे समवेयर अराउंड एक बार सपोर्ट लेता है प्रीवियस क्लोजिंग पे या प्रीवियस स्विंग पे, तो पहला सपोर्ट पे मार्केट है, तो जब तक आपका 41,000 के नीचे नहीं आ रहा है मेरे को शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं आता है। ठीक है, मैं शॉर्ट की तरफ नहीं जाने वाला, जब तक 41,000 का लेवल 15 मिनट की कैंडल के साथ डिफीट नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक, सेकंड हम लोग अभी बाय की बात कर रहे थे, या तो हम लोग जाएंगे इसके ऊपर बाय या फिर हम लोग समवेयर अराउंड इधर के ऊपर बाय करने का, तो ये हमारा बाइंग का कंडीशन है। अब इसकी चलते हैं ऑप्शन चेन पे और बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे ये सारे आपके शॉर्ट कवर हुए जो प्रीवियसली कॉल्स बाय करी है। आप लॉजिक लगाते सेम लॉजिक है, मार्केट में एक रन अप आया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया एक दिन पहले, अगले दिन गैप अप खुलेगा मार्केट, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहां से प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करोगे कि नीचे आएगा, उसके बाद जिनकी ट्रेन छूट गई है वो सेकंड हाफ में अपना या फिर 12 बजे 11 बजे के आसपास अपना ट्रेंड डिसाइड करते हैं किधर की तरफ मार्केट को जाना है। तो सेम चीज यहां पे हुआ, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सारे कॉल्स जो लोग बाय करके गए थे वो लोग अपना
कवर किया नंबर वन, और जिन लोगों ने कॉल राइटिंग करी थी उनके शॉर्ट्स कवर हुए तो उनको लॉस हुआ होगा। ठीक, नीचे की अगर मैं बात करता हूं तो आपको 41,000 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है, तो 41,000 भी एक अच्छा लेवल होता बाइंग के साइड का अगर इस पर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता। ठीक, मैं बात करता हूं इसमें कहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई, 41,300, मतलब 41,300 एंड 41,400 का जो कंजेशन का जोन है, जब आप क्रॉस करेगी इसको मार्केट तब हम लोगों को एक ऊपर की तरफ अप ट्रेंड का एक शॉर्ट कवरिंग को विटनेस करने लगेगी। दूसरा मेजर शॉर्ट कवरिंग आपकी 41,550-60 के ऊपर जब आपका मार्केट सस्टेन होनी शुरू हो जाएगी तो एक आपको 200-300 पॉइंट का और मूव एक्सटेंड हो सकता है, बिकॉज ये वाले आपके कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और कल है मंथली एक्सपायरी। ठीक, पुट राइटर्स की बात करूं तो पुट राइटर्स भी हैं आपके 7 लाख, 8 लाख, 13 लाख, मतलब दोनों ही हैं, कॉल राइटर्स भी हैं पुट राइटर्स भी हैं। बेसिकली मैं बताता हूँ ये हुआ क्या है, एक दिन के बीच में छुट्टी थी, ठीक, तो इन लोगों ने क्या अगर कॉल और पुट दोनों राइट करके चले गए थीटा का एडवांटेज गेन करने के लिए, करेक्ट, तो ये हुआ है। तो अपने को क्या करना है, अगर क्रॉस करेगी 41,300 के आसपास तो अपने को बाइंग की साइड जाना है, शॉर्ट कवरिंग के लिए लेना है। 41,000 के नीचे अपन लोग शॉर्टिंग की साइड नहीं सोचेंगे जब तक 41,000 नहीं टूटेगा, या फिर हायर लेवल पे हम लोग सेल दो जगह होता है, या तो ब्रेक डाउन पे सेल होता है या फिर हायर लेवल पे होता है, लेकिन मैं कल है एक्सपायरी तो मैं शॉर्ट साइड में थोड़ा सा प्रेफर नहीं कर रहा हूं। निफ्टी का भी एक बार डेटा देख लेते हैं फिर उसके बाद भी आइडिया लग जाएगा। ये निफ्टी के अंदर लास्ट में ये आके आपके बहुत ज्यादा कॉल लेटर्स बैठ गए, 17,700, 750 और आपका 17,800। ठीक, पुट राइटर्स की बात करूं 18 लाख, 12 लाख, सेम कहानी इसमें भी हुई है, निफ्टी में भी और आपका बैंक निफ्टी में भी कॉल पुट राइटर्स दोनों बैठे हुए हैं। ठीक, अब क्या है इसमें शॉर्ट कवरिंग में 17,810 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो कि आपको 17,900-950 तक के लेवल तक आपको ले जा सकती है। क्यों होगी अभी हम लोग चार्ट पे देखेंगे। साथ में अगर मैं बात करता हूँ जो इंस्टेंट बेसिस पे बाय करते हैं उनके लिए 17,735 के आसपास जब क्रॉस करेगी तो आपको इंस्टेंट बाइंग मिलेगी। बाइंग दो जगह करेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ शॉर्टिंग को मैं उतना फेवर अभी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कल की तरह मेरा ट्रेड छूट जाए। ठीक है, मार्केट ऊपर गया नीचे आता है, दिस इज नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल। मार्केट ऊपर जाके जब दोबारा से नीचे आता है दैट इज कॉल्ड अ ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल एक नॉर्मल पुल बैक नहीं होता है। जब ट्रेंड रिवर्सल होगा तो सेल ऑन इस पे करेंगे, अभी जब तक बुल ट्रेंड चल रहा है अपने को बाय ऑन डिप्स पे जाना है। ट्रेंड छूट जाएगी सेल साइड कोई बात नहीं, एक दिन कर देंगे, जब बाद में मिलेगा तो दोबारा सेल पे जाएंगे जब मिलेगा मौका। ठीक है, अभी अगर मैं इसमें बात करता हूं तो यहां पे कॉल और पुट राइटिंग दोनों ही, दैट मींस मार्केट को ये लोग साइडवेज रखने के चांसेस में है कि मार्केट आपका ज्यादा ऊपर ना जाए ज्यादा नीचे ना जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा देख के ये लग रहा है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मैंने आपको लेवल्स नोट कर दी जहां पे, और फिर जो भी होगा मैं आपको इंट्राडे शीट पे भी अपडेट कर दूंगा कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर किस पॉइंट पे करेगी, जो हम लोग दोपहर के आसपास करते हैं 12:30-1 बजे के आसपास। निफ्टी का भी अपन लोग चार्ट देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करता हूं निफ्टी की, निफ्टी में क्या प्रॉब्लम थी देखो, एक शेयर था जो निफ्टी को बढ़ने नहीं दे रहा था, आप मुझे कमेंट से बताना कौन सा शेयर था। सेम चीज में था आपका, नीचे आता चला गया मार्केट, यहां पे इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया दोनों ही, दैट टू आपका निफ्टी ने भी और आपका बैंक निफ्टी ने भी। ठीक, और मार्केट यहां से नीचे आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बाइंग की साइड जाना है तो किधर जाएंगे, सेल की साइड किधर जाना है, जब तक ये लेवल आपके क्रॉस नहीं करते हैं। ये लेवल्स कौन से निकल के आए, 17,740, तो हमारा 735 डेटा पे भी आ रहा था, तो इस लेवल को क्रॉस करते अपन लोग बाइंग करेंगे। ठीक, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कहाँ होगी, यहाँ वाला लेवल जो आ रहा है आपका 17,790-80, लेकिन 800 के ऊपर हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर का, क्योंकि 800 का टाइम का लेवल जो क्रॉस करेगा वहाँ पे आपके कॉल राइटर्स प्रिसाइसली कट जाएंगे। ठीक, तो एक बाइंग यहाँ हुई, या फिर बाइंग हमने को कहाँ मिले, इसके आसपास प्रीवियसली एक स्विंग था यहीं के आसपास जो कि यार आपका 17,580 के आसपास। ठीक है, ये आपका एक बेस की तरह काम करना शुरू कर देगा। सेल कहाँ पे करें, अगर मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो मिलता है तो मैं सेल की तरफ जाऊँगा, लेकिन कल एक्सपायरी है तो मैं थोड़ा सा सेल को अवॉइड कर रहा हूँ और करूँगा अभी तो कम क्वांटिटी। देखो मेरा ये ट्रेंड छूट गया, एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इस ट्रेंड में मैंने बाय नहीं किया, मेरा एसएल कट ज़्यादा डेटा की वजह से। कोई बात नहीं, आप हमेशा हर दिन मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और जिस दिन आप मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे ना उस दिन अपना स्टॉप लॉसेस छोटा कर लो, या फिर स्टॉप लॉस मतलब लॉसेस ना करो, तो आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल, जो मैं आपको कहता हूं ना कि इवेंचुअली प्रॉफिटेबल बनना है, वो ऐसे होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।